एवरीवन कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारी आप लोग एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल रहा होगा बहुत अच्छे से एकदम, है ना। और जैसे कि आज 18 तो आप मार्च, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। वो इसलिए ना क्योंकि जब खुद पता है क्वेश्चन खुद से सेट करना है ना, और फिर उसके बाद एकदम मज़ा आ जाता है एकदम, है ना। तो आप लोग इस मज़े को इंजॉय कीजिए एकदम पूरा, है ना। ताबड़तोड़ करके चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। भाई कहाँ गया मोटिवेशनल कोट? यस यार, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, स्टे पॉजिटिव। पता है पॉजिटिव रहने का एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। कोई भी काम करते हो ना, ठीक है, अगर उसमें आप अगर आप मोटिवेट पॉजिटिव फील करते हो ना, आपका जो इफिशियंसी होगा ना वो भी बढ़ जाता है ना। अब ये फील करके तो बहुत लोग मेहनत खूब करता है लेकिन सोचता है क्या ना कि अच्छा हो जाएगा, नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि जैसे लव को, ठीक है, लव को ना ये लिखा गया है, ठीक है। लव को जब ये लिखा जाता है उसके बाद ना, जैसे यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया होगा कि अगर यहाँ पे LOVE लिखा गया होगा, ठीक है। एक तो हम ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे OLEV है, ठीक है। ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपका आपका भी लॉजिक सही है लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जैसे यहाँ पे O होना चाहिए, यहाँ पे C होना चाहिए, यहाँ पे E होना चाहिए, यहाँ पे R होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका इसका लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कई बार एक क्वेश्चन का दो दो आंसर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 5 और 9, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके इसका जो आंसर होता है ना, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। मान लेते दो बच्चे हैं ना, एक बोलेगा 9, दूसरा बोलेगा 2। क्यों बोलेगा? एक को नजर आएगा ना कि ये सारा सारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ये ना मतलब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जो अभाज्य संख्या नहीं है ना उसको बोलते हैं। एक बच्चा बोलेगा कि अच्छा ये वाला जो है सारा का सारा विषम है, ये वाला सम है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक आपका, ये 9 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन सेट किसके अकॉर्डिंग किया गया है ना, ये उसके अकॉर्डिंग फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या किया था, जैसे LOV है ना, देखो कोइंसिडेंस कैसा था, L का अपोजिट करते हैं तो O जाता है, O का होता है V होता है, V का E होता है, E का V हो जाता है, ठीक है। मतलब एकदम पूरा सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है। मतलब ये O ना, OLEV, OLEV, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोड का करना है, COR, कोड का, ठीक है। तो कोड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का क्या होता है, एक्स होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है, आर का क्या होता है, आई होता है, ई का क्या होता है, वी होता है। मतलब XLIV, XLIV यहाँ पे है ना, सही ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। बहुत लोग इस सिचुएशन में नहीं आता, नन ऑफ दीज करके निकल जाते हैं, इसका ऑप्शन रहता है ये, ठीक है। दोनों सही है लेकिन जो एग्जामिनर का जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन दिया है ना, वो अगर आपका टच कर गया तो आपका सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाता है दोनों सही। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है ना 4 रैंक एड है क्लास का, एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है कैलाश का जो रैंक है 15th फ्रॉम द लास्ट। जैसे यहाँ पे कैलाश है, इसमें ये 15th फ्रॉम द लास्ट है, और चार अर्जुन का रैंक है ना 4 इससे आगे है, मतलब 1, 2, 3, 4, चौथा ये हो गया अर्जुन, हो गया मतलब 15, 16, 17, 18, 19 नंबर पे ये लास्ट से है, ठीक है। तो अर्जुन का फर्स्ट से क्या रैंक हो जाएगा, अगर ये इधर टोटल अगर 40 स्टूडेंट है, लास्ट से अगर यहाँ तक 19 है, तो इधर टोटल कितना बच्चा होगा, 21। तभी तो दोनों को जोड़ने पर 40 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इधर अगर 21 है, अगर इससे ऊपर 21 है ना, ठीक है, तो ये इसका रैंक क्या हो जाएगा, +1, मतलब 22। एक चीज ध्यान में रखना, इसका जो ऑप्शन जो रहता है ना बहुत आसपास में दिया रहता है, जैसे 21, 22, 23, थोड़ा सा भी आपका गलत हो जाएगा ना तो आप तो खुश हो जाओगे लेकिन एग्जाम से आप निकल जाओगे, है ना। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए डायरेक्शन क्वेश्चन बनता कैसे है, क्या क्या चीज का मतलब आप किस बारे में आपको ध्यान में अच्छे से रखना है ना, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी। देखो पॉइंट सी 6 मीटर, जैसे अगर यहाँ पर डायरेक्शन बनाते तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी, जैसे यहाँ पे डी करते हैं, सी 6 मीटर ईस्ट है, सी 6 मीटर ईस्ट है ऑफ डी,
ठीक है, एंड एंड किसके लिए होता है, पहले वाले के लिए, ठीक है ना। सी जो है 5 मीटर नॉर्थ है ई का, ठीक है, मतलब यहाँ पे ई करते हैं, यहाँ पे ये 5 मीटर कर देते हैं, ठीक है। ई विच इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, मान लेते हैं एफ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एच इज 4 मीटर साउथ ऑफ आई, अभी एच और आई के बीच में चर्चा नहीं है, तो आगे देखते हैं। पॉइंट जी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, जी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, मतलब यहाँ तक ये 5 है, तो जी जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया आपका 10, ठीक है, एफ हो गया। एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ एच, जी जो है 5 मीटर ईस्ट ऑफ एच है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तभी तो इसके ईस्ट में है, ये एच है, ठीक है। अब आगे ऊपर एच के बारे में चर्चा था ना, एच इज 4 मीटर साउथ ऑफ आई, एच इज 4 मीटर साउथ ऑफ आई, मतलब आई यहाँ पे और ये 4 मीटर साउथ ऑफ आई, विच इज, विच का यूज ठीक बगल वाले के लिए होता है, विच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ जे, मतलब जे हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पिक्स हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस अगर हम 5 लिए हैं ना, अगर हमको 7 दिखाना है तो इससे बड़ा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 4 दिखाना है तो इससे भी छोटा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एच को बढ़ा करके इधर तक ले आते हैं, पूछते हैं कि एच जो है सी के डायरेक्शन में किधर है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं नॉर्थ, लेकिन अगर सही अक्षर बनाए तो किधर है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सा अगर आपका गलती होता है ना, तो इसमें आंसर वेरी करेगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, आप कॉन्फिडेंस भी रहोगे कि हम 35 में 35 बना के आए हैं, लेकिन वही 4 को गलत हो जाएगा, आपका नंबर आएगा 30। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये अब पजल की तरफ, ये है आज का पजल, मस्त जबरदस्त एकदम सर्टेन वाला। देखो जब भी अगर ये पजल आए ना एग्जाम में, तो आप लाखे आपको लगता है बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको अटेम्प्ट आपको नहीं करना, क्योंकि हो सकता है फंस जाता है बच्चा इस वाले में, ठीक है। और कुछ लोग बना भी लेते हैं, तो आप अगर बना लेते हैं तो आप एक्सेप्शन में है, ठीक है, आपकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर तो लोग बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लीनियर रो में बैठा हुआ है, लेकिन फेस करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, चलो नॉर्थ डायरेक्शन में कोई दिक्कत बात नहीं है। ए सीट से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जैसे मान लेते हैं बी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, अगर इधर ये देख रहा है, तो मतलब थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा। हम दो को पॉसिबिलिटी लेकर के हमेशा करते हैं, तो एक दो ए हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। ओनली 3% सीट्स बिटवीन ए एंड जी के बीच में, तो एक में जी यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे में एक दो तीन जी आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। बी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी के बीच में, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। बी जो है ए और सी के एग्जैक्टली बीट में है, मतलब एक दो इधर हो गया और एक यहाँ पे हो गया और सी यहाँ पे हो गया, ठीक है। और कहने का मतलब है इधर देखते हैं तो बी अगर एग्जैक्ट जी बीच में है ना, तो एक दो सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है ना, यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी और बी के बीच में जितना है ना, वो एक कम है बी और डी के बीच में, ठीक है, और बी डी जो है ना वो जी के पास में नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बी और जी के बीच में 0 है, तो बी और डी के बीच में एक होना चाहिए, तो डी तो जी के पास में नहीं है, इसका मतलब डी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः है, तो बी और डी के बीच में कितना होना चाहिए, चाहिए 7, तो एक में तो डी यहाँ पे आएगा, लेकिन डी जी का नेबर नहीं है, इसका मतलब एक दो तीन चार पाँच छः 7 डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब एक जी कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो एक दो तीन चार 5 ई यहाँ पे हो गया, इस वाले केस में एक दो तीन चार 5 ई यहाँ पे हो गया। एंड सीट 16 एंड ऑफ द रो, ठीक है, जो एंड हमेशा पहले वाले के लिए आता है, मतलब ई जो है किसी एंड पे भी बैठा हुआ था, ठीक है, अंतिम छोर पे है। एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कितना है, कोई नहीं है, क्योंकि ये खुद एंड पे है। टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में होता है, वी एफ कहाँ पे बैठा था पता नहीं है, ठीक है। वली 3% डी और एफ के बीच में, देखो डी और एफ के बीच में 3 लोग हैं ना, तो एफ को इधर तो बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि तो इसको अंतिम पे बैठाना है, एक दो तीन, ये एफ यहाँ पे हो गया अंतिम छोर पे। इस वाले में देखते हैं ई के इधर है, तो डी और एफ के बीच में 3 है ना, तो एक दो तीन एफ यहाँ पे हो गया, पहले ही आपका गलत हो गया, क्योंकि जितना ई के लेफ्ट में उतना एफ के राइट में है, ये वाला आपका सही हो गया। तो देखो मतलब यही तरीका आपको अपनाना, एक बार में एकदम पूरा बैठ जाएगा क्वेश्चन, कितना भी टफ से टफ क्यों ना हो, बस ध्यान से करने पे ना आसानी से आप फंसते नहीं, तो नहीं तो कई बार क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं, तो वो आपका हल्का निकाल देता है ना। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना, कई सेशन पसंद आया ना जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, हाँ, ताकि मैं शेयर नहीं करता हूँ इसका फायदा आपको मिलेगा, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम एकदम पूरा मिला रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।